Hi guys, this is Dev Rajput and welcome to my YouTube channel Crazy Transformation. आज हम वार्म अप बिफोर एनी वर्कआउट सीखेंगे. यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग हेयर. जो सबसे पहला स्ट्रेच है गाइज, वो है आपको अपने शोल्डर से स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू 5-5 to 10-10 टाइम्स. नेक्स्ट स्ट्रेच में आपको शोल्डर से लास्ट सर्कल्स बनाने हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, टू 5-5 to 10-10 टाइम्स. जैसे हमने पहले किया था, पहले स्मॉल सर्कल्स बनाए थे हमने, अब लार्ज सर्कल्स बनाए हैं ताकि हमारे जो शोल्डर की मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो और इंजरी के लेसर चांसेस हों. जो नेक्स्ट स्ट्रेच है गाइज हमारा, वो है जंपिंग जैक्स. यूजली आप इसको जिम में लगाते ही होंगे या फिर कोई भी रूटीन आप फॉलो कर रहे होंगे उसमें लगाते होंगे. तो ये ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच है. जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो 10-15 टाइम्स आप जंपिंग जैक्स लगाएं. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है गाइज, वो है हमारा फोर आर्म्स एंड आर्म्स दोनों का. अभी आपको अपने हैंड को स्ट्रेच करके, पहले आपको ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, फिर नीचे की साइड स्ट्रेच करना है. जब आप ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे तो ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स दोनों स्ट्रेच होंगे. जब आप नीचे की साइड स्ट्रेच करेंगे गाइज, तो आपका फोर आर्म्स का अपर मसल और बाइसेप्स दोनों स्ट्रेच होंगे. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है वो है रिस्ट स्ट्रेच, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. जैसे मैं इस वीडियो में परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैंने दोनों किया है, क्योंकि बिकॉज रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहती है किसी भी वर्कआउट में. जब भी आप कोई भी वर्कआउट करोगे, किसी भी टाइप का वर्कआउट करोगे. अभी फिर मेरा नेक्स्ट स्ट्रेच मैं कर रहा हूँ, जो स्ट्रेच नंबर 6 है, उसमें नेक को भी आपको बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करना है. बिकॉज़ जब भी आप शोल्डर परफॉर्म करते हैं, बैक परफॉर्म करते हैं या फिर चेस्ट परफॉर्म करते हैं, नेक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो इसलिए आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जगह से स्ट्रेच है, वो है बैक एक्सटेंशन. अगर जो आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपको बैक पेन है, तो ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है. और आपको कोई भी वर्कआउट करने से पहले बैक एक्सटेंशन ज़रूर करनी चाहिए, 4-5 टाइम्स बिफोर एनी वर्कआउट. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है, उसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, बोथ क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग. जब मैं इसको लेग्स को ऊपर पुल कर रहा हूँ तो मैं अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ, और जब मैं इसको पीछे की साइड पुल कर रहा हूँ तो मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ. ये भी आपको ईच लेग ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, पहले आप क्वाड्स को करेंगे फिर हैमस्ट्रिंग को करेंगे, तो 5-5 ईच लेग कर रहे हैं गाइज. आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप की आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो ये ही स्ट्रेचिंग होती हैं बेसिकली बिफोर एनी वर्कआउट. बिफोर एनी वर्कआउट, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं. अब हम जो लेग रेज कर रहे हैं, स्टैंडिंग लेग रेज कर रहे हैं, बेसिकली टू स्ट्रेच ग्लूट्स एज वेल एज योर हैमस्ट्रिंग. ये भी ईच लेग करना है, ईच लेग 5-5 साइड करना है. मैंने भी 5-5 साइड ही किया है, बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लेग. जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो है आपको बेंड होना है, और कोशिश करनी है जितना कॉन्ट्रैक्शन आपका, जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको डेडलिफ्ट पहली वीडियो में भी दिखाई है करके, तो इसमें आपको जैसे अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है मोर एंड मोर, जिससे कि क्या है कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में ब्लड फ्लो बढ़े. तो और आपको जो आपका रेंज ऑफ मोशन है किसी भी वर्कआउट के ड्यूरिंग, वो इंक्रीज होता रहे. नेक्स्ट आपको गुड मॉर्निंग करनी है, स्ट्रेच करना है गुड मॉर्निंग. ये लोअर बैक के लिए होता है, बेसिकली आपको 5-10 टाइम्स करना है. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी लोअर बैक पेन और डिस्क प्रॉब्लम, तो यू कैन परफॉर्म एनी वेयर, बट आप वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले से ये करें. अब आपको टो स्ट्रेच करना है, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. मैंने आपको यहाँ सामने परफॉर्म करके दिखाया है, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. आपको ये 5-5 to 10 टाइम्स करना है फ्रॉम ऑल्टरनेट लेग. जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स. आप इसको हाफ परफॉर्म करें, नॉट एस टू ग्रेस परफॉर्म नहीं करना है आपको. मैंने यहाँ आपको हाफ ही परफॉर्म करके दिखाया है, बोथ फ्रंट एंगल से एंड साइड एंगल से. जो इसका नेक्स्ट स्ट्रेच है गाइज, वो है पॉज स्क्वाट्स. आपको अपने बॉडी वेट से अपने आपको स्क्वाट्स पोजीशन में पॉज करना है, 5-10 सेकंड्स ही ट्राई करें.
सो ये स्ट्रेचिंग है, आप कोई भी वर्कआउट करने से पहले या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से पहले इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको 10 to 15 मिनट्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स बिफोर एनी वर्कआउट ट्राई करें एंड यू कैन सी द बेनिफिट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइज़।